Hi Advik, welcome to Indian Wikimedia, you're live. Hi guys. How are you? सत श्री अकाल, बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए, how are you? एकदम बढ़िया. तो आजकल कहाँ गायब है अद्विक, क्या कर रहे हैं? ऑडियंस जानना चाहते हैं. ऑडियंस का तो पता नहीं पर आप जानना चाहते हैं. हाँ वो तो है. तो गायब कहीं नहीं हूँ. This year, अगर हम इस साल की बात करें, I was shooting for मेरी दुर्गा. It comes on Star Plus. So, इस साल के जो पहले 6 महीने थे, I was shooting for that. जुलाई में आई गॉट फ्री फ्रॉम माई ट्रैक. आफ्टर दैट आई टुक अ ब्रेक फॉर पंजाब के लिए. थोड़ा घर जाता हूँ मैं साल में एक दो बारी, तो घर गया था. एंड आफ्टर दैट आई केम बैक. आई वॉज बिजी विद माई वाइफ. वी आर सेटिंग अप अ कंपनी कॉल्ड नैम मेकओवर्स. ओके. सो शी इज इनटू स्टाइलिंग एंड मेकअप. तो उसमें 2-3 महीने थोड़ा ऑक्यूपाइड था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई बीन मीटिंग पीपल. शोज ढूंढ रहा हूँ, अच्छा काम ढूंढ रहा हूँ. तो जब मिल जाएगा तो स्क्रीन पे आपको दिख जाऊंगा. ओके. आपके कुछ फैंस आ गए तो उनका क्वेश्चंस ले लेते हैं. yes, तो फिजा खान बोल रही है, हेलो हाउ आर यू? हाय, आई एम रियली गुड फिजा, हाउ आर यू डूइंग? ओके. अमन भटनागर आपके एक फैन है, ही वांट्स टू नो लाइक व्हाट काइंड ऑफ एक्टिंग रोल्स डू यू प्रेफर. ओके यार, ऑनेस्टली प्रेफरेंस तो तब आए जब बहुत अवेलेबिलिटी हो. अभी बहुत लिमिटेड रोल्स मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर जॉनर के या दूसरे के, मतलब इतनी वैरायटी आ नहीं रही है. सो आई एम ओपन टू और कुछ नया करने का मौका मिल रहा है जो मैंने पहले ना किया, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो. ओके. सो नाजिम आपके फैन पूछ रहे हैं दैट व्हाट मोटिवेट्स यू टू बिकम एन एक्टर. ऑनेस्टली नाजिम नाजिम, मैं तकरीबन 7th standard में था. मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ अपने इंटरव्यूज में. मैं 7th class में था जब मैंने डिसाइड कर लिया था मुझे एक्टर बनना है. उसके बाद जब टीचर्स ने या किसी ने भी, बड़ों ने पूछा कि बेटा क्या करोगे बड़े होके, तो मेरा जवाब यही था मुझे एक्टर बनना है. स्टार्टिंग में एक शौक था, बाद में एक जुनून बन गया. फिर आई डिड माई थिएटर एंड एवरीथिंग. तो मोटिवेशन अंदर से ही आता गया कहीं ना कहीं से, मुझे खुद नहीं पता. ऐसा है कि कई चीज़ें होती हैं जिसके साथ आप बचपन से जुड़े हुए होते हो. अब आप मुझे पूछो कि पिछले 10-12 साल से आप फिटनेस में हो या किसी चीज़ में हो, क्यों हो? तो स्टार्ट तो हम एक शौक के लिए भी करते हैं, कई लोग प्लान करके करते हैं, बट अल्टीमेटली इट बिकम्स वे ऑफ लाइफ. नाउ आई थिंक आई वाज ऑलवेज बॉर्न टू बी एन एक्टर, और हमेशा से शायद मैं इसी के लिए पैदा हुआ था. और मैं लगे हुए हैं, अभी भी रेस जारी है. ओके. तो आपकी फैन है मिष्टी, वो जानना चाहती है दैट सबसे पहले वो बोल रही है हेलो हाउ आर यू, एंड शी वांट्स टू नो लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर इश्क दा कलमा. बानी, इश्क दा कलमा बहुत जबरदस्त था. मतलब उस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया. मैंने उससे पहले फिल्म्स की थी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, आई डन लॉट ऑफ फिल्म्स. पर जब बानी मुझे ऑफर हुआ था तो मैं स्केप्टिकल था कि मैं टेलीविजन शो करूं कि ना करूं. मैंने फिल्म्स की हैं, जो एक बड़ा क्वेश्चन होता है आजकल कि फिल्में की हैं तो टीवी करूं कि ना करूं, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था इनिशियली, ऑनेस्टली. जब मैं कन्विंस हुआ, क्रिएटिव्स ने बात की, सब कुछ हुआ, लास्ट मोमेंट पे मैंने हाँ बोली किसी तरह की, चलो देखते हैं, लेट्स ट्राई, पंजाबी शो है तो इसीलिए वो एक बड़ा कारण ये था. तो हाँ कर दी. पर उसके बाद बानी ने जो 2 साल में मुझे दिया है, आई थिंक दैट हैज़ बीन द बेस्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी टिल नाउ. मेरी फिल्म्स ने मुझे इतना नहीं सिखाया जितना मुझे उस सीरियल ने सिखाया, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, इन टर्म्स ऑफ मीटिंग न्यू पीपल, मीटिंग न्यू फैंस लाइक यू. बहुत प्यार मिला, बहुत नाम मिला. तो बानी एक ऐसी जर्नी थी जो कभी भूलेगी नहीं. ओके. सो योर फैन वर्षा वांट्स टू नो दैट आर यू स्टिल इन टच विद योर टीम लाइक बानी टीम. बानी टीम में रज्जी और बानी, दो जो हमारी हीरोइंस थी, आज की डेट में शायद आपको जान के खुशी हो, वो दे आर लाइक माई बेस्ट फ्रेंड्स राइट नाउ. वो दोनों की दोनों लड़कियां मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं. मतलब वी लिटरली मीट एवरी डे एंड आवर फैमिलीज आर कनेक्टेड, वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. ओके. सो रानी योर फैन इज हियर, शी इज आस्किंग दैट आपका नेक्स्ट सीरियल कब आएगा, कब आओगे वापस ऑन स्क्रीन? आई एम कमिंग बैक ऑन स्क्रीन, मतलब फिल्म आ रही है मेरी,
तो थिएटर में आपको देख के आना पड़ेगा उसके लिए, और इट्स कॉल्ड हो जा जरा मतलब ही, एंड आई थिंक एज फार एज आई नो इट्स रिलीजिंग इन फेब्रुअरी, तो वो मैंने लास्ट ईयर शूट की है, तो अभी तो वो आ रही है, हिंदी फिल्म है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम मीटिंग फॉर न्यू शोज, अगर कुछ अच्छा शो मिलता है जिसमें उनको लगता है कि मैं इस लायक हूँ तो करूँगा। So can you tell us more about your movie? क्या है, क्यों audience को excited होना चाहिए movie देखने के लिए? Excited होना चाहिए, मुझे लगता है उसकी story बहुत अच्छी है, और शायद इसीलिए मैंने हाँ भी कही। पूर्वा राणा करके एक्स मिस इंडिया, शी इज माई एक्ट्रेस इन दैट फिल्म, एंड हरीश रावत इज द डायरेक्टर, एंड इट्स अ रोमांटिक स्टोरी, बट एक कुछ डिफरेंट है, मतलब सब लोग बोलते हैं अपनी फिल्म के बारे में, मेरी फिल्म डिफरेंट है, मेरी स्क्रिप्ट डिफरेंट है, मेरा ये है वो है, पर हाँ कुछ हटके तो है, तो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, दो ढाई महीने का इंतजार है। ओके, सो सकीना आपको कंग्रेचुलेट करिए आपकी मूवी के लिए। थैंक यू सकीना, थैंक यू। रमांश आपका एक फैन है, वो बोल रहे हैं लव यू भाई, टीम मेरी दुर्गा मिसेस यू। लव यू टू, और मैं भी अपनी टीम को बहुत मिस करता हूँ, मेरी दुर्गा को, और इनफैक्ट कल परसों ही मेरी बात हो रही थी, तो शायद कुछ सरप्राइज हो आपके लिए। ओके, तो उनको वेट और वॉच करना पड़ेगा। ओके, सो आपकी फैन है अंशी जो पूछ रही है, हु इज योर फेवरेट टीवी एक्टर? माय फेवरेट टीवी एक्टर, यस यार, इसमें मैं बायस्ड हूँ, बिकॉज आई से शशांक व्यास, बिकॉज ही इज लाइक ब्रदर टू मी, तो हाँ मुझे तो वही अच्छा लगता है। ओके, सो चलो अभी हम अच्छा गेम खेलते हैं। सो आपने सुना होगा शायद हैव आई और हैव आई नेवर, आपने कभी किया है या नहीं किया है? हाँ, मतलब, बताना है मुझे, ठीक है? तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी, आप सिंपल से पूछना है। हाँ, सिंपल वाले ही है। पता चले मैं फंस गया। नहीं, घर जाना है। सो हैव यू एवर फेल्ड अ क्लास? फेल्ड अ क्लास एज इन फुल क्लास में? हाँ, स्कूल नहीं, रिपीट करी है? नहीं। अरे नहीं यार। Have you ever punched someone? वो सोच रहे होंगे, I mean, पड़े बिना टीवी एक्टर बन गए। ये सोच नहीं है। Have you ever punched someone? Punched someone? Yes, I did, but what? किसी को भी? हाँ, किसी को भी। हाँ, कभी। Boy या girl कोई भी। बहुत किया। अच्छा। Have you ever re-gifted a gift that was given to you? यार। Okay। मैं बहुत करता हूँ। मुझे इतने पसंद, मतलब पसंद। मतलब मैं जैसे कपड़े कोई दे देता ना गिफ्ट में, यार काम फंसा रहे हो, किसी ने भेजने हो तो भेजेगा नहीं। तो कई बार क्या होता है कि वो पड़े रह जाते हैं। मैं जैसे ये डेनिम भी मैंने पहना है, मैं गिनती के दो तीन कपड़े ही बार बार रिपीट करता हूँ, मेजरली तो पड़े ही रहते हैं, तो बेचारे पड़े रहे, इससे अच्छा किसी को गिफ्ट दे दिया जाए ना। वेरी ट्रू। सो द अदर वन इज, हैव यू एवर वॉक्ड आउट ऑफ अ मूवी बिकॉज इट वॉज बैड? यस, आई डिड लॉट ऑफ टाइम्स, आई थिंक आपने भी किया होगा। हमें नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए हम आंसर नहीं देंगे। हैव यू एवर टॉप फेक्ड इलनेस? टॉप द क्लास? नो नो, टॉप किया आपने? मैं पूछ लेती, हैव यू एवर फेक्ड इलनेस टू स्टे होम? वेरी, शूट के टाइम? यस, स्कूल के टाइम तो सभी करते हैं। स्कूल के टाइम पे वर्क किया, शूट के टाइम पे जरूरत नहीं पड़ा, लकीली जितने जहां भी मैंने काम किया सब लोग बड़े कूल रहे हैं, जब जरूरत होती है तो मैं मांग लेता हूँ और वो दे भी देते हैं, पता नहीं क्यों दे देते पर दे देते। ओके, हैव यू एवर ईटन एन एंटायर पिज्जा बाय योरसेल्फ? आई हैव, आई यूज्ड टू लव पिज्जा, स्पेशली ड्यूरिंग माय स्कूल डेज, छुट्टी होती थी हमारी पंजाब जालंधर में, तो घर पहुंचने से पहले एक पर्टिकुलर स्पॉट था मेरा, वहां रुक के पूरा पिज्जा खाता था, फिर घर जाके खाना खाता था, सो आई हैव बीन ऑलवेज अ फूडी। ओके, द लास्ट वन इज, हैव यू एवर फूल्ड अराउंड अ फैमिली मेंबर? Fool around a family, with a family member. With a family member. हाँ, distant. मैं तो घरवालों को भी बनाया है छोटे होते हुए। Okay. So Grishma, your fan is here. She's asking, what are your current and future plans, future shows? Plans as of now, जैसे मैंने पहले भी बोला, I'm meeting for the release of my film, and apart from that, I've been meeting people in the television industry. कुछ शोज की बात चल रही है, लेट्स सी कब उनको चीजें बैठने की बात है, जब उनको मैं समझ में आ जाऊं एज एन एक्टर और मुझे प्रोजेक्ट समझ में आ जाए, तो यू नेवर नो। ओके, सो आपके एक फैन है प्रीतिका, वो पूछ रही है, आपने टीवी और मूवी दोनों किए हैं, तो सबसे मतलब अच्छा आपको क्या लगा, टेलीविजन या फिर एज एन एक्टर?
प्रीतिका ऐसा कुछ अच्छा बुरा होता नहीं है, मतलब ये वही बात हो गई कि आपने स्कूल भी किया आपने कॉलेज भी किया है, तो आपको अच्छा बुरा क्या लगा? स्कूल में आप अलग एंजॉय करते हो, कॉलेज में अलग एंजॉय करते हो। वैसे ही मैंने टेलीविजन जब किया तो टेलीविजन में बहुत नई चीजें सीखी हैं एंड फिल्म्स का अपना एडवांटेज है, बट आई एंजॉय बोथ ऑफ देम। एज एन एक्टर मैंने थिएटर भी किया है, स्ट्रीट प्लेस भी हमने किए हैं, तो मुझे तो वहां भी बहुत मजा आता है। इवन इफ वी हैव टू यू नो, पॉइंट इज दिस कि परफॉर्म करने को मिले एज एन एक्टर, मैं अगर खुश हूँ तो मैं थिएटर क्या है, टीवी क्या है, फिल्म क्या, मैं रेडी हूँ। ओके, सो सीमा पूछ रही है, आपने बोला है कि आप फूडी हो, तो वो पूछ रही है कि आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, या क्यूजीन भी बता सकते हो। फेवरेट डिश पंजाबी हो तो? हाँ, घर का खाना मेरे को बहुत पसंद है, और उसमें अगर बात करें तो राजमा चावल हमारे एक स्टेपल डाइट होता था, स्पेशली जब बैक इन पंजाब मम्मी बनाते थे संडे के संडे, चने बनते थे, और हलवा बहुत पसंद है, मीठा तो बहुत ही पसंद है यार, सूजी का हलवा, वो कल वो खाया मैंने, क्या था, खीर, तो कुछ ना कुछ मीठा बहुत पसंद है। ओके, सो हर्षित आपके फैन पूछे कि आपने अपनी जो पहले मूवीज करते थे आपने वो क्यों छोड़ी? अरे नहीं छोड़ी, जो काम मिलना होगा वो भी आप छोड़वाओगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, जो काम मिलता है उसी में से लेना पड़ता है। दिस इज द यू नो ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ, जो हम जो ऑप्शंस मिलती हैं हमें उसमें से चूज करना पड़ता है, तो इट्स नॉट मी हु इज चूजिंग द रोल्स। तो जब फिल्म मिलती है तो फिल्म कर लेना। एक्चुअली ये बड़ी एक अजीब सी बात है, इन्होंने छेड़ी है तो मैं बोलता हूँ, मैं जब टीवी करना चाहता हूँ ना, तब मुझे टीवी नहीं मिलता, मुझे फिल्म मिल जाती है। अब ये लास्ट ईयर मैं टीवी के लिए एक मीटिंग में गया, और मीटिंग करके बाहर आया, तो बाहर निकला तो मुझे ये फिल्म मिल गई जो मैंने अभी की। और जब मैं फिल्म करना चाहता हूँ तब मुझे शो मिल जाता है। तो ये आई डोंट नो, आई थिंक हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता। अक्षु गुप्ता वो पूछ रहे हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, आपने व्हाइट पहना है तो क्या व्हाइट आपका फेवरेट है? एक्चुअली हाँ, मतलब मैंने इसलिए नहीं पहना था कि मेरा फेवरेट है, बट राइट, व्हाइट और ब्लू मेरा फेवरेट है, बेसिक कलर्स। या तो शिवन्या इज आस्किंग दैट आर यू इनटू फिटनेस एंड कैन यू शेयर सम फिटनेस टिप्स फॉर योर फैंस? यस, आई एम इनटू फिटनेस, दिस इज समथिंग दैट आई रियली एम कनेक्टेड विद इन ऑल फॉर्म्स, लाइक आई डू स्विमिंग, आई बीन एन एथलीट आल्सो, आई बीन प्रैक्टिसिंग मार्शल आर्ट्स सिंस 10 इयर्स नाउ, आई एम अ ब्लैक बेल्ट इन MMA। तो फिटनेस में टिप्स, एक बेसिक टिप देता हूँ कि आप किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, कुछ भी करिए, लेकिन रोज करिए। मतलब ऐसा ना हो कि हम कहीं, आजकल मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ यार, उनका डायरेक्ट ये क्वेश्चन होता है, भाई ऐसी बॉडी बनानी है, भाई ये करना है वो करना है, कितना टाइम लगेगा? ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब ये गलत है। आप टेक इट एज अ वे ऑफ लाइफ, टेक इट एज अ फिटनेस रूटीन, रादर कि मेरे पास एक महीना है, मुझे एक महीने में सिक्स पैक बनाने हैं, ये क्या फंडा हुआ यार? 10 साल हो गए सिक्स पैक बनते नहीं, मुश्किल से बनते हैं। और मैं देखता हूँ आजकल देयर आर सो मेनी आर्टिफिशियल वेज ऑफ मेकिंग दोज सिक्स पैक्स। सो माय टिप इज ओनली दिस, बी रेगुलर, आप रोज कुछ ना कुछ करते रहिए, और 6 महीने तक आप खुद ही देखेंगे आपकी बॉडी में, आपके इट्स नॉट ओनली फिजिकली, इट्स मेंटली ऑल्सो, यू नो, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और बहुत असर होगा और बहुत चीजों पे। ओके, सो रानी योर फैन वांट्स टू नो कि आपकी जो बॉलीवुड मूवी आ रही है उसमें से कोई एक स्पेशल मोमेंट आप शेयर कर सकते हो? तो इनफैक्ट काफी हैं स्पेशल मोमेंट्स, हाँ, ड्यूरिंग वन ऑफ द दीज शूट्स, मैं वहाँ शूट कर रहा था बैंकॉक में, हमारी शूट थी, आउटडोर का प्लान था, तो मैं नीचे आ रहा हूँ, आई वाज स्टेइंग इन 6th or 7th फ्लोर, सो आई टेकन दिस लिफ्ट, एंड व्हाइल आई वाज कमिंग डाउन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तो मेरी लिफ्ट में देवर 2-3 गर्ल्स वहाँ की थी, बैंकॉक की, सो दे स्टार्टेड हिटिंग ऑन मी, एंड इट्स नॉट, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है कि लड़कियाँ हिट नहीं करती लड़कों पर, करती होंगी, तो दे स्टार्टेड हिटिंग ऑन मी, एंड किसी ने, जैसे ही वो दरवाजा खुला लिफ्ट का,
तो हम जैसे ही बाहर निकले ना, यूनिट का बंदा खड़ा था, देयर वाज दिस गाय एंड ही टोल्ड देम दैट दिस गाय इज अ बॉलीवुड एक्टर, ऐसे करके ना, हमारे क्रू के थे, लाइट मैन थे, दादा थे, कौन थे मुझे याद नहीं है. तो सडनली डर सी गई और पहले जो हिट कर रही थी ना वो दौड़ गई. एंड आई वॉज लाइक डूड इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसको तो उल्टा और हिट करना चाहिए था, बॉलीवुड एक्टर मतलब. या तो मैं ही बहुत नहीं, ऐसा बुरा भी नहीं लग रहा था, पहले तो हिट उसी ने किया था, बट आई डोंट नो टिल नाउ आई वंडर कि वो दौड़ क्यों हुई थी तब. बट या बॉलीवुड से इतनी नफरत है क्या उनको? नहीं नहीं यार. वो एक मिस्ट्री रह गई अभी. हाँ आई डोंट नो. ओके सर, शिवन्या वांट्स टू नो हूज योर इंस्पिरेशन इन लाइफ. इन लाइफ? या माय फादर. बहुत ही वो क्लीशे आंसर भी आप इसे कह सकते हैं, बट फैक्ट यही है. मतलब उन्होंने जितनी मेहनत की है, उन्होंने जितना लाइफ में स्ट्रगल किया है, और जो उनके वैल्यूज़ हैं, जो उनके एथिक्स हैं, वो सब चीज़ों का कुछ परसेंटेज मुझ में आया है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ. अदरवाइज कमिंग फ्रॉम माई टाउन इन जलंधर, नॉर्मल मिडिल क्लास, मम्मी पापा बैंक में नौकरी करने वाले लोग, तो वहाँ से उठ के एक एक्टर बनने का ख्वाब देखना ही बड़ी बात थी. To achieve, I'm not saying that I've become a superstar, but मैं जहाँ भी पहुँच पाया हूँ यहाँ तक, तो मेरे लिए बड़ी बात है. उसमें बहुत बड़ा योगदान, in fact major योगदान मेरे माँ बाप का ही है, especially my dad. So he has been a guiding, yeah. Okay, so Anu wants to know like how has been your journey from your start to your where you are. अच्छा, मैं लगा start to the end. नहीं. So स्टार्ट से लेके अभी तक बहुत अच्छी रही है. काफ़ी स्ट्रगल भी की है और इन्जॉय भी बहुत किया है. काफ़ी प्यार मिला है. सो रोलर कोस्टर राइड रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे. तो अभी तक तो इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, एंड आई होप कि लाइफ लॉन्ग ऐसा ही रहे, चलता रहे. ओके, सो आपके एक फैन है अमरीन, वो बोल रही है दैट आपकी वाइफ स्टाइलिश है, तो वो आपको भी स्टाइल करती है कि नहीं? हाँ, वो तो सबको स्टाइल कर देती है. मतलब आपके घर में कुत्ता बिल्ली ये वो कुछ भी हो, सबको स्टाइल कर देगी. ऑनेस्टली, मतलब शी इज सच अ फ्रीक. मतलब अभी मेरी फोन पे बात हो रही थी, आई टोल्ड हर दैट आई एम कमिंग हियर टू हैव अ लाइव चैट विद माय फ्रेंड्स, फैंस जो भी होंगे. तो अच्छा क्या पहना? मैं कह यार वो वाइट टी शर्ट थी जो नहीं ली थी अभी, तो पहन ली मैंने अभी. अच्छा, यू वेयरिंग योर वॉच? नहीं, वो तो मैं भूल गया. अरे आपको ध्यान, वॉच तो पहनना चाहिए साथ में. तो मतलब She eats, drinks, वो जो हमारी पेप्सी की एड होती थी ना, eat, drink, sleep, पेप्सी, वो उनके लिए eat, sleep, drink, fashion, style, बस उनको यही आता है. Okay. अगर आपको रेट करना हो उनका फैशन, तो आप 1 to 10 के स्केल में क्या रेट करेंगे? मेरे को रेट करना हो? उनका फैशन सुपर. ट्रस्ट मी ऑनेस्टली, नॉट बिकॉज शी इज माई वाइफ, आई एम सेइंग दैट, बट मैंने इतना फैशनेबल ऐसी एक सेंस किसी में देखी नहीं है. मेरे सर्कल में कोई ऐसी, आई हैव नॉट मेट सच अ गर्ल. सो 15 out of 10. ओके, सो प्रियंका वांट्स टू नो लाइक हाउ हैज बीन योर रिलेशनशिप विद योर वाइफ? अभी तो ठीक ठाक है. पर हमारा रिलेशन बहुत कम लोग जानते हैं. मी एंड नेहा वी गो, हमारे रिलेशन को 12 साल हो गए होंगे. Because we met in school, जलंधर में. तो वो भी जलंधर की है, मैं भी जलंधर का हूँ. तो मेरी जूनियर होती थी, तो कई लोग सोच रहे होंगे अच्छा वहीं पटा दिया था. हाँ वहीं हो गई थी हमारी, मेरे दिमाग में भी आया. तो पटाया उन्होंने था मुझे, मैंने नहीं. मैं तो यू नो, तो हमारा बहुत पुराना रिलेशन है. बाय गॉड्स ग्रेस इट्स गोइंग गुड, एंड इट्स मोर अबाउट दोस्ती है हमारी. आज भी ऐसा नहीं लगता है कि वो बीवी पति वाला वो सारा वो काम नहीं है हमारा. इट्स मोर अबाउट वी अंडरस्टैंड ईच अदर, वी गिव सपोर्ट टू ईच अदर, एंड मोर लाइक फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स. ओके, सो शिवानी वांट्स टू नो लाइक व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ अ रिलेशनशिप? मैं आई डोंट थिंक आई एम वन ऑफ द बेस्ट पीपल टू एडवाइस ऑन दिस, बट जो मुझे समझ में आता है कि कुछ खास सोचना विचारना नहीं चाहिए इस बारे में. यू डोंट हैव टू थिंक too much about this. Just be normal, just be yourself and give time to the other person also. और थोड़ा बहुत adjustment सबको करनी पड़ती है. मतलब आप कहो ना कि I don't want to adjust, अगला बंदा adjust करे, ये करे. आजकल वो relationship problems बहुत हो रही हैं, हम अपने आस पास देख रहे हैं. egos इतने आ गए हैं लोगों में, वो जो एक connect है वो खत्म होते जा रहा है. no one is ready to, है ना, एक argument भी हो जाता है ना आजकल, तो उसमें भी दूसरा बंदा हार मानने को तैयार ही नहीं.
तो कभी कभी थोड़ी सी हार मानना ही लंबी जीत देता है. सो यही है कि आप एक दूसरे को समझिए, साथ दीजिए, और कहीं वो कॉम्प्रोमाइज करे, कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करो. ओके, सो फाइनली आप ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे, कब वापस आ रहे हैं अद्विक स्क्रीन पे? आई विश टू कम बैक रियली सून, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट वन राइट अपॉर्चुनिटी. एंड या आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू गाइस, आप मेरे लिए प्रे कीजिए, विश कीजिए कि कुछ अच्छा बढ़िया सा मिल जाए, जो करने में मुझे भी मजा आए और आपको भी देखने में मजा आए. आई डोंट वांट टू डू यू नो कि कुछ भी कर रहा हूं और आप खुश नहीं हो. ओके, सो ये हमारी तरफ से और फ्लोरिस्टा की तरफ से आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. आपके लिए मैसेज भी है उसमें. आप पढ़ लो मैसेज. हां, क्या बात है, चॉकलेट्स हैं बस. ठीक है, अभी चॉकलेट तो भेजो. थैंक यू, यू रॉक. Indian Wikimedia, thanks a lot. Thank you guys have been so great. Much. Thank you. Bye. Bye-bye.